नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता बदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी परेशान हैं अपने घुटने के दर्द से, कमर दर्द से, एड़ी के दर्द से, कहीं पर भी आपके जॉइंट पेन है, तो उस दर्द को ये ख़त्म कर देगा। आपकी मांसपेशियों के सूजन को ख़त्म करेगा, मांसपेशियों के दर्दों को ख़त्म करेगा ये दोस्तों नुस्खा। अगर आपके सिर में भी दर्द है तो उस दर्द को भी ये ख़त्म करेगा। अगर आपके पेट में गैस की वजह से दर्द होता है, या अगर आपके पेट में कब्ज रहता है, तो उस दर्द को भी ये नुस्खा सही करेगा। इतना कमाल का और गजब का नुस्खा है, बस आप इसे ट्राई करें, रिजल्ट आप देखें पहली बार में। दोस्तों, अगर आपके घुटने में सूजन है, आपके घुटने में गठिया है, गठिया का रोग हो गया है, आपके घुटने में बात का रोग लग गया है, तो सभी दर्दों का निवारण है दोस्तों ये एक नुस्खा। ये काढ़ा इतना कमाल का है, गजब का है, इसको जब आप ट्राई करेंगे तो रिजल्ट आप खुद देखिएगा पहली बार में। इससे पहले दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ आल पर प्रेस करें। इससे होगा ये, जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे इस काढ़े को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक भगोनी लेंगे और उसमें डाल देंगे एक बड़ा गिलास पानी। और अब इस पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके दर्दों को ख़त्म करेगा, आपकी हड्डियों में गर्माहट लाएगा और प्लस आपकी हड्डियों की सूजन को ख़त्म करेगा, साथ ही साथ आपके गठिया के रोग को भी जड़ से ख़त्म करेगा। और अगर आपको रहती है गैस की प्रॉब्लम, गैस की वजह से आपका पेट दर्द होता है, तो उसमें भी ये आराम देगा। जो मैं नुस्खा आज बता रही हूँ, इस नुस्खे को जो डिलीवरी के बाद जो माताएं बहनें हैं वो भी ले सकती हैं अपनी डिलीवरी के बाद में। तो अब इसमें हम डालेंगे दो करी पत्ते, तेज पत्ता। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो तेज पत्ते लिए हैं, अगर आपके पास बड़े पत्ते हैं तो एक लें। यहाँ पर छोटे पत्ते थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर दो पत्ते इसमें यूज किए हैं और इन पत्तों को हम डाल देंगे इसमें तोड़ करके। दोस्तों, इन तेज पत्तों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। ये आपके घुटने के सूजन को ख़त्म करेगा, मांस की सूजन को ख़त्म करेगा। जो मांसपेशियों में सूजन होता है, दर्द रहता है, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं चल पाते हैं। मैं आपको बता दी, खाट पर लेटा इंसान भी दौड़ने लगेगा। आप इसको ट्राई करना नुस्खा, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही गजब का और कमाल का है। मैंने बोला, जो माताएं बहनें का डिलीवरी हो जाती है वो भी इस नुस्खे को यूज करें। तो यहाँ देखिए, इसमें एक उबाल आ चुका है, तो इसका मैंने जो फ्लेम है सिम आँच पे सिम कर दिया है। आँच को सिम आँच पे आप बनाएंगे तो इसके सारे पोषक तत्व तो आपको पानी में मिल जाएंगे, अजवाइन का और तेज पत्ता का। तो ये देखिए, यहाँ पर करीबन दो मिनट हो चुका है सिम आँच पर पकाते पकाते, तो ये काढ़ा बन करके बिल्कुल तैयार है। अब इस काढ़े को हम क्या करेंगे, दो उबाल तेज आँच पर दे करके और इसको हम छान लेंगे। दोस्तों, मेरे कहने पर आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना। ये नुस्खा इतना कमाल का है कि आप जब पहली बार ही इस नुस्खे को पियेंगे ना, तो आप खुद ये सोचेंगे कि क्या हो गया मुझे। आपको इतनी फुर्ती आ जाएगी बॉडी में कि आपको ऐसा लगेगा, अगर आप 100 साल के हैं, 80 साल के हैं या 90 साल के हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप 50 साल के हो गए हैं। और जो 50 साल के भाई बहन हैं उनको ऐसा लगेगा जैसे कि 20 साल के जवान हो गई हैं या हो गए हैं। ये इतना गजब का काढ़ा, एक एक नस खोल देगा आपकी। आपकी नसों में अगर ब्लॉकेज आया है, हाथ पैरों में गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, नीले नीले टाइप के नसों के, तो उन नसों को भी ये खोल देगा, नसों की ब्लॉकेज खोल देगा ये काढ़ा। और जिनको अपच रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, सभी दर्दों का ये रामबाण नुस्खा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ से हमें क्या मिलता है, आयरन, और खून की कमी को पूरा करेगा ये नुस्खा। जो हमने यहाँ पे गुड़ मिलाया है तो ये आपकी खून की कमी को पूरा करेगा, आयरन की प्राप्ति करेगा। अब जो डायबिटीज के भाई बहन हैं वो क्या करें, इसमें गुड़ ना डालें, ऐसे ही ले लें, उनको पूरा फायदा मिलेगा। मैंने आपसे बोला है कि इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करना, मेरे कहने पर ये कमाल का और गजब का नुस्खा है। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो वो लोग भी इसको 4 दिन तक सेवन कर लें, तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। मैंने बोला नहीं, घुटने से लेकर पूरी बॉडी को ये स्वस्थ बनाएगा काढ़ा, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वो लोग भी इस काढ़े को पी सकते हैं। तो वो अपना इसको 8 दिन सेवन करें और खुद अपने आप को तुला लें जाके, उनका वजन कम हो जाएगा। पीना कैसे है, सुबह खाली पेट,
सुबह खाली पेट आप इस काढ़े को पीजिएगा, जितना मैंने गिलास में बताया है इतना आप बना करके सुबह पी लीजिए काढ़े को, और इतना ही आपको शाम को पीना है खाना खाने के पहले। आप इसको पीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी प्यारी प्यारी। जिन लोगों को नींद की शिकायत है, नींद नहीं आती है, उनको नींद भी अच्छी आएगी। कहने का मतलब ये काढ़ा इतना कमाल का है, इतना गजब का है कि बिल्कुल जादू की तरीके से आपकी बॉडी में काम करेगा। बहुत से भाई बहन वर्जिश करते हैं, उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, आप इसको पी लीजिए, आपका दर्द बिल्कुल छुमंतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस काढ़े को पीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।